हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो फाउंडर गवर्नमेंट। तो आज हम जा रहे हैं अपनी ह्यूंडई i20 का, जिसमें सीएनजी लगी हुई है, सीएनजी फिटेड है, उसकी सर्विस करवाने जा रहे हैं। तो मैं 10,000 तक वेट करता नहीं हूँ जनरली। अभी 8,300 किलोमीटर चली है एज पर रिकॉर्डेड प्रीवियस सर्विस। तो 8,300 किलोमीटर चल रही है, तो आई थिंक इट्स दैट टाइम वी शुड गेट इट सर्विस, क्योंकि लोकल थोड़ी बहुत चलनी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर लंबा कहीं लेके जाना हो तो फिर फंस जाएगा बंदा। तो टाइम हो रहा है अभी 11:18, 11:30 तक हम सर्विस सेंटर में पहुंच जाएंगे। इसकी सर्विस होती है ह्यूंडई के ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही, तो दीप ह्यूंडई करके यहाँ सर्विस सेंटर है नगली सक्रावती में, तो वहीं करवाते हैं सारी सर्विसेज। अच्छी है सर्विस, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा महंगी नहीं लगती मेरे को इस वजह से। अभी 11 साल पुरानी होने के बावजूद आई एम गेटिंग इट सर्विस इन द कंपनी, तो ठीक है, मुझे कोई ऐसी दिक्कत लगती नहीं है, अच्छा स्टाफ है। तो वहीं चल रहे हैं, अभी उसकी सर्विस करवाते हैं। क्या कुछ बिल आएगा, क्या कुछ काम है इसके अंदर, वो सब हम आपको बता देंगे। अभी देखो, अभी बारिश स्टार्ट भी नहीं हुई, ठीक है। अभी तो मैंने आपको पीछे दिखाया नहीं, अभी धीरे धीरे जो चल रहा था, और ये जो कैमरा हिल रहा था ना, ये इसकी वजह से ही था। बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है हमारी साइड का, तो अब यहाँ पे थोड़ा ठीक है, अब देखते हैं आगे कैसे मिलते हैं। तो इस गाड़ी में कुछ काम हैं छोटे मोटे, मैंने एक जगह नोट कर रखी है, वो देखते हैं अभी इसका क्या सोल्यूशन निकलता है। एक तो इस गाड़ी में रैटलिंग नॉइज़ आ गई है, 72,000 चल गई है एज पर माई रिकॉर्ड। पहले कितनी चली थी मुझे नहीं पता, 72,000 में इसमें रैटलिंग नॉइज़ आ गई है लेफ्ट वाले दरवाजे से और पीछे डिग्गी में। तो जो उसकी पार्सल ट्रे है ना, वो एक्चुअली उसका एक हुक टूट गया, तो मे बी वो ढंग से फिट नहीं बैठता, तो वो गड्ढों में आवाज़ करता है, मे बी वो उसका रीज़न ये लोग बताएंगे। प्लस जो इसकी बैटरी है, वो पिछले दो सर्विस से ना मैकेनिक्स बोल रहे थे कि इसकी एक सेल जो है ना, वो काम नहीं कर रही, तो थोड़ी सी वीक हो गई है, बट नई बैटरी थी। तो मैंने कहा बताओ क्या करना है, चेंज करना है तो वो बताओ, और नहीं करना है तो वो भी बताओ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है एज सच, और चल जाएगा आपका काम। तो अब क्या दिक्कत आ रही है ना, एक्चुअली वो शायद विंटर्स की वजह से है या फिर बैटरी की ही दिक्कत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेल्फ थोड़ा लंबा ले रही है, विंटर्स में भी हो जाता है कई बार, गाड़ी ठंडी होती है ना, तो ऐसा हो जाता है। बट अभी देखते हैं, चेक कराते हैं क्या है क्या नहीं। और उसके अलावा मेरे को ब्रेक्स, तो मैंने 30,000 किलोमीटर भी टोटल नहीं हुए हैं, 29,000 किलोमीटर टोटल चले हैं, मैंने ब्रेक पैड नए डलवाए थे, और ब्रेक्स भी मेरे को थोड़ा हल्के लग रहे हैं, और तो हल्की फुल्की साउंड आ रही है ब्रेक्स में, या तो क्लीन करवाने पे क्या पता ठीक हो जाए, तो वो करवाना है मुझे एक बार। ये सारी चीज़ें हैं छोटी मोटी, चेक करवाऊँगा कि क्या निकलता है इसमें। बाकी लिंक रॉड में से हल्की आवाज़ है, वो जो कोलिजन हुआ था, आपने वीडियो देखी थी एक्सीडेंट की, मे बी उस वजह से हुआ हो। भाई साहब, रोड देखो यार, ये क्या हालत हो गई है, तो मैं अब देख रहा हूँ जाऊँ कहाँ से। अब यहाँ पर ये हमारे यहाँ से वो निकल रहा है ना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, तो उस वजह से हो सकता है यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हो, तो देख रहे हो हल्की फुल्की आवाज़ आपको आ रही होगी, शीशे वीशे में से भी आवाज़ आ रही है, रैटलिंग नॉइज आ गई है इस गाड़ी के अंदर। तो ये चेक करवाएंगे, इसको सारा काम करवाना है इसका, देखते हैं क्या कुछ खर्चा आता है। दीप ह्यूंडई पे करवाते हैं, वैसे ज़्यादा खर्चा मतलब ज़्यादा बिल बनाते नहीं है, इस वजह से मैं इन लोगों से सारा काम करवा लेता हूँ, अच्छा काम करते हैं, और नोन्स भी हैं कुछ यहाँ पर, तो इसलिए भी ह्यूंडई गाड़ी मैंने अब तक रखी हुई है। जी इन लोगों ने तो पूरा रास्ता ही चेंज, नक्शा बदल दिया है, NHAI आ गया है यहाँ पर। वही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से बोल रहा था ना, सर्विस है गार्ड साहब, सर्विस 71957। यार कभी भी आ जाओ यहाँ पर, भीड़ हमेशा ही मिलती है, देखते हैं कितने देर में फ्री होते हैं। वैसे मैंने इनको 3 घंटे दिए, मुझे कहीं जाना है, अभी देखते हैं ये लोग कितना कुछ टाइम लगाते हैं यहाँ पर। चलते हैं अपना जॉब कार्ड ओपन करवाते हैं, फिर बात करते हैं इनसे क्या क्या काम होगा गाड़ी में। तो अपनी गाड़ी लग चुकी है बे पर, अब काम शुरू हो गया, देखते हैं कितना कुछ इसके अंदर टाइम लगता है। अभी चल के हम अंदर ही बैठेंगे आराम से, काम कर देंगे, विश्वास है मुझे इन पर। तो अपनी दिक्कतें सारी हमने बता दी हैं अपने सर्विस एडवाइज़र को, और अभी देखते हैं क्या कुछ वो खर्चा बताएंगे। बाकी कह तो रहे हैं टाइम से दे देंगे गाड़ी, लेट्स सी।
अभी हम लोग वेटिंग एरिया में बैठे थे, आपने देखा वहाँ पे, हम सारे ही डरते हैं, मतलब वीडियोस वगैरह बनाने नहीं देते, बाकी सर्विस इनकी अच्छी है, चाय कॉफ़ी वगैरह सब पूछते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, पर वीडियोस से बड़ा डर लगने लग गया है कंपनी वालों का, आई डोंट नो व्हाई। आवाज़ दोनों साइड से और क्या है, आरएम आरएम एक 2500 रुपए का है, इसको बोलते हैं आरएम, ये बार भी 1200-1300 रुपए का होगा, तो ये खट वाली जो आवाज़ इसकी वजह से आ रही है। सस्पेंशन ठीक है, सस्पेंशन ही तो आज बता रहा हूँ आपको, सस्पेंशन तो ये होता है ना, सस्पेंशन तो सस्पेंशन खाली चोकर हो गया ना, चोकर हो गया, उसके अलावा लिंक रोड है, जंपी रोड है, दोनों आरम है, ठीक है कोई नहीं, बाहर नहीं करवाएगा, हाँ फॉल्ट जीरो क्लियर कर दिया उसको। तो एक दिक्कत हो गई थी हमारे, मतलब सर्विस एडवाइज़र से थोड़ी सी बहस हो गई थी, तो फाइनल बिल है ये, मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में। एक्चुअली जो मैं हमेशा से सर्विस करवाता हूँ ना, उसके चार्जेस अराउंड आते थे मेरे 2500-2600 रुपये से ज़्यादा कभी आए ही नहीं है, तो इस बार उन्होंने मेरे को एस्टिमेट बताया 5500 रुपये का, तो मैं हिल गया, एस्टिमेट वो भी काम शुरू होने से पहले नहीं बताया, काम के बीच में बताया, मैंने कहा ऐसे तो नहीं होगा, मैंने साइन भी नहीं करा था कहीं, मैंने कहा मैं नहीं दूंगा इतने पैसे, ठीक है, हमेशा 2500-3000 में मेरा काम हो जाता था, बट अब इन लोगों ने एकदम से 5500 बताया, तो मैं थोड़ा सा एकदम से शॉक में चला गया कि यार एकदम से ये आपने डबल कर दिया, तो वो मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा। फिर उसके बाद इन्होंने इसमें कुछ डिस्काउंट दिया मेरे को, शिवरात्रि ऑफर दिया, कुछ 25% का डिस्काउंट दिया, 400 रुपये का इसमें डिस्काउंट दिया है, और वॉशिंग होती है इनकी 700-800 रुपये की, वो मैंने हटवा दी, 1200 रुपये ये हो गए, और मतलब मोटा मोटा यही था, 5500 उन्होंने बोला था, 3300 तो नहीं हुए, ये तो 4300 हो गए, और थोड़ा बहुत डिस्काउंट वगैरह करके इन लोगों ने टोटल बिल बनाया मेरा 3350 का, तो ये बिल तो बिल्कुल ठीक है, बाकी काम मैंने करवाया है, बहुत अच्छा काम तो नहीं है, क्योंकि रैटलिंग नॉइज़ अब भी है गाड़ी के अंदर, वो इन लोगों का फीडबैक वाला कॉल आएगा ना तब मैं इनको बताऊँगा, बाकी नॉर्मल जो अपनी सर्विस होती है वो मैंने करवा ली है, ज़्यादा कुछ करवाया नहीं है, बाकी मैं देखता अभी शीशे में उन्होंने बताया कि साइड मिरर से आपका रैटलिंग नॉइज़ आ रहा है, और पीछे का उन्होंने अभी भी नहीं बताया कि पीछे क्यों दिक्कत बन रही है, बाकी तो जो दिक्कतें थी लिंक जो नीचे उसमें बता रहा था आवाज़ आ रही है, वो लिंक रोड वगैरह की दिक्कत है, वो मैं बाहर करवा लूँगा, एक एसी का काम इसमें बताया इन्होंने, वो भी मैं बाहर ही करवाऊँगा, क्योंकि सिर्फ लिंक रोड में जो आगे से जो आवाज़ आ रही थी उसका 10,000 का खर्चा बताया इन्होंने, और ये जो स्विच की बात कर रहे थे ये ख़राब है, तो ये 1500 रुपये का स्विच है अंदर, तो मैं ये सारा काम बाहर करवाऊँगा, मैंने नोट कर लिया, उन्होंने एक मेरे को पर्चा सा दिया था, उसमें सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये है वो पर्चा, उसमें देख लो, उसमें सारी चीज़ें लिखी है उन्होंने, अब तो मैं जाम में फंसा हुआ हूँ फिलहाल, देख लो तगड़ा ही जाम लगा हुआ है, अभी रोड बुश बोल रहे हैं, लाइनर रोड, आरएचएस, आम ब्रेक पैड बाहर के डले हुए हैं ये बता रहे हैं, ठीक है, ये क्या लिखा है, एसी कूलिंग वो भी लिखा हुआ है, बैटरी के एक्सेल काम नहीं कर रहे, वो हमेशा लिखते हैं, स्पार्क प्लग का वायर भी ख़राब है, वो शॉर्ट मतलब कर रहा है बार बार स्पार्क प्लग को, तो वो भी चेंज करवाना है, तो ये सारे कुछ काम है, और अब टाइम हो चुके हैं 3:05, मेरे को 4 बजे करोल बाग पहुँचने, और मैं इस टाइम इस ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, तो बड़ी दुविधा है यार, बाकी काम हो गया अपना 3350 रुपये में, अब 8000 किलोमीटर बाद ही होगा जो होगा। तो इतना ही था आज की वीडियो में, और जो भी डिफरेंस लग रहा है ना मेरे को, बड़ी स्मूथ हो जाती है यार गाड़ी, इंजन ऑयल चेंज होता ही ना, मतलब मेन चीज़ तो वही होती है, स्मूथ हो गई है गाड़ी, बाकी और सच ऐसा और कुछ काम हुआ नहीं, रैटलिंग नॉइज इन्होंने अभी भी कम्प्लीट मतलब ख़त्म नहीं करी, कम्प्लीट क्या बिल्कुल ही वैसे की वैसे ही है, बस फिर अभी मिनी सर्विस ही हुई है एक तरीके से, समझ लो मिनी सर्विस नाम तो हटा दिया, बट वो काम वो ही करा है और कुछ एक्स्ट्रा हुआ नहीं, ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, बाकी काम भी मैं करवाऊँगा बाहर से करवाऊँगा, लेकिन आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, नया चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।